हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम, JKCSE क्लास फोर्थ को लेके। तो प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे सोशल मीडिया लिंक्स मिल जाएंगे, उनको जाके ज्वाइन कीजिए सो दैट हम कोई भी इंफॉर्मेशन वहाँ पर सबसे पहले अपलोड करते हैं, उसके बाद ही हम वीडियो बनाते हैं। तो दोस्तों, अपकमिंग जो एग्ज़ाम्स आने वाले, जैसे कि VLW पोस्ट के भी एडवर्टाइजमेंट आ चुकी है, तो सबका हमने तैयारी करवाना शुरू कर दिया। आप हमारे चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में चेक कर सकते हो। तो जल्दी से अपनी तैयारी शुरू कीजिए। सब जगह सारे लोग जो क्या कर रहे हैं कि सिलेबस बता रहे हैं, हम लोगों ने सिलेबस शुरू भी करवा दिया आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि JKCSE क्लास फोर्थ की जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट है, क्या वो डिक्लेयर हो रही है या होने वाली है। क्योंकि काफ़ी सारे मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों के मैसेज मुझे आ रहे हैं कि सर, JKCSE की जो वेबसाइट है वो हैंग हो रही है, लोड नहीं हो पा रही है, काफ़ी बार ट्राई करने पे एक आध बार लोड हो रही है। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट अपलोड हो रही है या ऐसा कुछ चल रहा है? तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि JKCSE बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे ऑर्डर्स, बहुत सारे सर्कुलर्स अपलोड करती रहती है, जिसकी वजह से भी कई बार JKCSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हैंग हो जाती है। लेकिन एक पर्टिकुलर चीज़ को मान के चलना कि नहीं जी, JKCSE का रिजल्ट आउट होने वाला है या लिस्ट आउट होने वाला है, तो ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप वेट कीजिए, जैसे ये वेबसाइट नॉर्मल हो जाएगी या थोड़ी देर में, या मोस्ट लाइकली शाम तक वो स्टेबल हो जाएगी। आपको हो सकता है कोई सर्कुलर या फिर कोई नोटिफिकेशन अपलोड की जा रही होगी या ऐसा कुछ चल रहा होगा। तो अभी इतना मतलब इसको एग्जैक्ट कहना सही नहीं होगा कि क्लास फोर्थ की ही जो फाइनल लिस्ट है वो अपलोड की जा रही है, और भी बहुत सारे सर्कुलर JKCSE अपलोड करती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है दोस्तों, बाकी जहाँ तक मैंने आपको बताया है कि 10 से 15 जून से पहले आपकी फाइनल सेक्शन लिस्ट आना बहुत मुश्किल है दोस्तों। जिस हिसाब के हालात चल रहे हैं, JKCSE भी किसी को कोई नोटिफाई नहीं कर रही है, कोई ट्वीट नहीं कर रही है, कोई मैसेज नहीं दे रही है, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, तो ये एक ड्रॉबैक है जो कि नहीं कर होना चाहिए। बच्चों को बताना चाहिए कि आपका क्या चल रहा है, कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है, क्या चल रहा है क्या नहीं, तो इन सब चीज़ों पर खुल के सामने आना चाहिए JKCSE को। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।